हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों से बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में, जो हमारा प्रैक्टिकल इस समय होने वाला है ओ लेवल का। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आता है, क्या पूछता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कई क्लास आगे ले भी चुके हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा। आज की भी क्लास हमारी क्या रहेगी ये देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा देखिए पूछ चुका है, अगली बार ये पूछा गया था। ठीक है, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन वर्ड फॉर्मेट, द डॉक्यूमेंट विथ वर्जन फॉर्मेट फॉन्ट मिनिमम 12 मैक्सिमम 15 एंड मार्जिन मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, द डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूडेड। ठीक है, करना क्या है, फॉन्ट को 12 और 15 के बीच में रखना है, और जो मार्जिन रहेगी उसको किस में रखना है, 2 और 4 के। ठीक, देखिए अब इसमें पूछा क्या क्या करना है। पहला है ए बुलेट नंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है, बुलेट नंबरिंग लगाना है। दूसरा क्या पूछा है, टेबल काउंटिंग नेम एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट एंड कॉलम हेडिंग। ठीक है, एक टेबल को हमको क्रिएट करना है किसमें, वर्ड में, और उसमें क्या क्या लिखना है, नेम लिखना है, एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट हेडिंग पे, हेडिंग में लिखना है। ठीक, तीसरा पूछा है पिक्चर गैलरी एनिमल यूजिंग क्लिप आर्ट। ठीक है, एनिमल का क्या लगाना है, क्लिप आर्ट में हमको एक पिक्चर लगाना है। चौथा क्या है, ए हीडर विथ योर नेम एंड द डेट, एक हीडर है उसमें क्या करना है, नेम और डेट को करना है। ठीक है, चलिए अब हम ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आप लोग देख ही लिए। ये क्वेश्चन अब हम करते हैं कैसे इसको किया जाता है उसको भी जानकारी लेते हैं। चलिए चालू करते हैं, क्या एमएस वर्ड, क्या चालू करेंगे हम, एमएस वर्ड। ठीक, एमएस वर्ड देखिए चालू हो रहा है एमएस वर्ड, और हमको इसी पे कार्य करना है जो भी इसका क्वेश्चन है। देखिए इसका क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किस पे करिए, एमएस वर्ड पे करिए। देखिए इधर क्या बोला है, वर्ड पे करना है, किस पे क्रिएट करना है, वर्ड पे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मिनिमम 12 लेना, मैक्सिमम 15 लेना है, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15 रहे, इसी के बीच में हमको जो भी करना है, टाइपिंग लिखना हो कुछ भी है, इसी के बीच सब कुछ हमको करना है। पहला क्वेश्चन दिया है ए बुलेट नंबरिंग लिस्ट, क्या दिया है, ए बुलेट नंबरिंग लिस्ट, हमको बुलेट लगाना है, क्या लगाना है, बुलेट लगाना है। चलिए कुछ लिख लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय। ठीक, अब इस पे हमको लगाना क्या है, बुलेट नंबरिंग, बुलेट नंबरिंग। देखिए बुलेट अलग होता है, नंबरिंग अलग होती है, इसमें दो चीज है, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है बुलेट और नंबरिंग, मतलब या तो बुलेट लगाइए या तो नंबर लगाइए, बुलेट अलग होता है नंबर अलग होता है। देखते हैं बुलेट क्या होता है और नंबर क्या होता है, ये देखा जाए। चलिए ठीक, हमारा ये देखिए बुलेट होता है, ये क्या होता है, बुलेट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के देखिए दिए हैं बुलेट्स, देखिए ठीक, अलग अलग प्रकार के बुलेट दिए हैं कि नहीं, जैसा बुलेट चाहेंगे वैसा हम यहाँ से बुलेट को लगा सकते हैं। देखिए ठीक है, सब लोग लगाते हैं अपने अपने हिसाब से, जैसा भी चाहेंगे वैसा हम भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक, देखिए अलग अलग है, अगर और भी चाहिए तो देखिए, ठीक जैसा भी चाहिए वैसा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लग जाएगा, कमेंट करिए हो जाएगा। अब चलिए नंबरिंग देखते हैं, इंटर करिए। ठीक, अब यहाँ पर भी लिखिए रहा हूँ इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, इस पे क्या लगाते हैं, हम इस पे लगा लेते हैं नंबरिंग। ठीक, अभी तक हम बुलेट देखे हैं लेकिन अब हम क्या देखेंगे, नंबरिंग देखेंगे, क्या देखेंगे, नंबरिंग देखेंगे। ठीक, चलिए नंबरिंग लगाते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार के नंबरिंग हैं कि नहीं है, देखिए लग भी रहे हैं सब में अलग अलग प्रकार से, बताइए लग रहे हैं कि नहीं अलग अलग प्रकार के, कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए हो जाएगा कि नहीं होगा, कमेंट करिए। देखिए लगा दिए, इंटर करिए, दोबारा कुछ लिखिए, इंटर करिए, दोबारा कुछ लिखिए, लिखते जाएंगे बुलेट जो है, नंबरिंग हमारा क्या होता जाएगा,
लगता जाएगा, लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर दो बार इंटर क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बुलेट्स और नंबरिंग हट जाएंगे, चाहे बुलेट रहेगा चाहे नंबरिंग रहेगा, अगर दो बार क्लिक कर देंगे हम, देखिए कुछ टाइप किए आता जा रहा, दो बार अगर इंटर दबा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या हट जाएगा, बुलेट और नंबरिंग जो है हट जाएगी अगर दो बार हम क्लिक कर देंगे इंटर को। ठीक है, हो जाएगा, एक बार और देखते हैं, कंट्रोल ए करिए और डिलीट कर दीजिए, एक बार और देखते हैं। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है, ध्यान से देखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए हमको लगाना है बुलेट, तो हम कहाँ पर जाएंगे, होम मेनू, होम मेनू के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ में बुलेट्स आएंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के देखिए बुलेट्स दिए हैं, जैसा हमको चाहिए बुलेट्स वैसा क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं देखिए। ठीक है, नंबरिंग भी बुलेट्स के बगल में ही रहता है, नंबरिंग बुलेट्स के ही बगल में क्या रहेगा, नंबरिंग रहेगा। देखिए अलग अलग प्रकार के हम नंबरिंग आ सकता है यहाँ से, देखें अलग अलग प्रकार की नंबरिंग है कि नहीं, देखते रहिए, अलग अलग प्रकार से जैसा चाहिए वैसा हमारा क्या हो जाएगा, नंबरिंग आ जाएगा। देखिए ठीक, नंबरिंग भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत, जैसे लगाने का तरीका क्या, कुछ भी टाइप करिए और इंटर करिए तो अपना वो बढ़ता जाएगा। अगर रोमन नंबर आप लोगों को नहीं याद होगा तो यहाँ से आप लिखते चले जाइए और रोमन नंबर याद कर सकते हैं। अगर ए बी सी डी याद करना है तो ए बी सी डी कर दीजिए, ए बी सी डी याद हो जाएगा। जिसको नहीं याद होगी यहाँ से अपना ए बी सी डी और रोमन नंबर 1 2 3 याद कर सकता है। ठीक है, कमेंट करिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है, यस ठीक है ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन था टेबल काउंटिंग नेम एड्रेस बेसिक पे डिपार्टमेंट हेडिंग में। ठीक है, क्या करना है, एक टेबल लेना, टेबल कहाँ से लेंगे बताइए, कमेंट करिए टेबल कहाँ से लेंगे, इंसर्ट मेनू पे जाएंगे। ठीक है, ऊपर सबसे हमारा क्या होता है, मेनू होता है ना, तो हम जाएंगे किस में, इंसर्ट मेनू में। ठीक, इंसर्ट मेनू में जाने के बाद हम टेबल लेंगे, क्या क्या कर, कितना कालम और कितना रो लेना ये देखते हैं, कितना लेना है, एक में नेम रहे, एक में एड्रेस, एक में बेसिक पे, एक में डिपार्टमेंट। ठीक, इतना चीज रहना चाहिए, तो कुछ नहीं टेबल में जाइए, 1 2 3 4 है ना, चार। ठीक हो जाएगा चार, चलिए चार होने के बाद अब क्या करना है देखिए, अब हर हेडिंग में क्या लिखना है, उनके नाम लिखना है, हेडिंग हेडिंग में क्या लिखेंगे, नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, नेम, सबसे पहले हमको क्या करना है, नेम लिखना है ना, दूसरे में क्या बोला लिखने के लिए, एड्रेस, क्या बोला है, एड्रेस, एड्रेस, और तीसरे में क्या बोल रहा है, बेसिक पे, क्या, बेसिक पे, बेसिक पे लिखना है। ठीक, और उसके बाद डिपार्टमेंट लिखना है, क्या लिखना है, डिपार्टमेंट। ठीक, लिख लेंगे, यही यही था, देखिए पहला क्या बोल रहा करने के लिए, पहला नेम बोल रहा, दूसरा एड्रेस हो गया, बेसिक पे हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, इतना चीज हो गया, चलिए हो गया ना। अब इसको थोड़ा हम क्या करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक कर देते हैं, या तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, सेलेक्ट करना किसको, सबको सेलेक्ट करिए, सबको क्या करिए, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट तो सब लोग कर लेंगे ना। ठीक, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट हो जाएगा, चलिए आ जाइए हम कहाँ पे, बोल्ड पे, देखिए बोल्ड हुआ, हो गया, कलर चेंज कर देते हैं, देखिए कलर चेंज हुआ। ठीक है, कर लेंगे जल्दी जल्दी, कमेंट करिए इतना कर लेंगे कि नहीं, एक टेबल को मंगा लेंगे ना, बोलिए कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए आप लोग, टेबल लगा लेंगे कि नहीं, कमेंट करिए दोबारा बताएं। ठीक है, दोबारा देखिए, एक बार और देख लेते हैं। ठीक,
एक बार क्या करा जाए और देखा जाए। सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट का मतलब होता है मंगाना या लगाना कोई चीज, ठीक है। तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट, इंसर्ट मेनू, ठीक, चले गए इंसर्ट मेनू पे, ओके। उसके बाद टेबल, टेबल में जाएंगे हम। टेबल के बाद हमको कितना कॉलम लेना है, 4 कॉलम लेना है, इंटर कर, हो जाएगा इतना, ले लेंगे कि नहीं, कमेंट करिए। टेबल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कमेंट करिए। हो जाएगा, ठीक है, टेबल ले लेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम नेम लिखेंगे, नेम, नेम, एड्रेस, क्या एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। और तीसरे कॉलम में क्या लिखना है, बेसिक पे लिखना, क्या लिखना है, बेसिक पे, बेसिक पे, ठीक। और चौथे कॉलम में क्या लिखाना है, डिपार्टमेंट लिखना, क्या लिखना है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लिखना है। इतना चीज लिख लेंगे। इतना चीज लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना, क्या करना रहेगा, सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक, सेलेक्ट करिए। हो जाएगा, सेलेक्ट कर दीजिए सबको, हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट होने के बाद अब आ जाइए होम में, होम में बोल्ड कर दीजिए, कर लेंगे, कलर अलग कर लीजिए, कलर भी हो जाएगा, चलिए अंडरलाइन भी लगा लेते हैं, इटैलिक भी कर लेते हैं, ठीक। साइज थोड़ा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं इसको तो हाईलाइट कर दीजिए, ठीक, हो जाएगा, बोलिए, कमेंट करिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। इतना चीज कर लेंगे कि नहीं आप लोग, कमेंट करिए आप लोग। इसके आगे फिर चले, हो कमेंट करिए, हो जाएगा ना, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कर तो लेंगे, ठीक। अब आगे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, पिक्चर ऑफ एन एनिमल यूजिंग द क्लिप आर्ट गैलरी। हमको क्लिप आर्ट गैलरी से क्या करना है, एक पिक्चर लेना है जो क्या, कौन सा रहे, एनिमल का रहे। चलिए क्लिप आर्ट गैलरी से लेना है ना, तो क्लिप आर्ट गैलरी से लेते हैं, पहले नया पेज ले लेते हैं और इंसर्ट, ठीक। देखिए करना क्या है, एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, दोबारा हम बता देंगे, ठीक। अब जाना हमको कहाँ पे है, इंसर्ट मेनू में, कहाँ पे जाएंगे हम, इंसर्ट मेनू पे, और क्या करेंगे, क्लिप आर्ट गैलरी को ओपन करेंगे। देखिए साइड में सबसे हमारा राइट साइड में क्लिप आर्ट गैलरी ओपन हो गई, और इस पे क्या लिखना है, एनिमल लिखना है, एनिमल, और गो कर दीजिए। जितने भी एनिमल रहेंगे सब एनिमल क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ गए हैं, देखिए आ गए ना, ठीक। अब क्या करिए, अब हमको कहाँ पे उसको लेके आना है, अपने टेक्स्ट एरिया पे ले आके रखना है एनिमल को, ठीक। तो क्या कर, लेफ्ट वाली की को प्रेस करिए माउस के, और उसको क्या करिए, ड्रैग करके लाके अपने टेक्स्ट एरिया पर रख दीजिए, अभी आ जाएगा। आ गया, बोलिए, कमेंट करिए, हो जाएगा, कमेंट करिए फटाफट, जितने लोग भी हैं लाइव सब लोग कमेंट करिए, लाइव देखने वाले सब लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताइए, केवल कमेंट करिए। अभी तक हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन बता चुके, हो जाएगा या नहीं होगा इसके बारे में आप लोग एक बार कमेंट करिए जोर, अगर हो जाएगा तो थम बताइए, अगर नहीं होगा तो
ना लिखिए, फिर हम उस फिर दोबारा बताएंगे। ठीक है, कमेंट हो रहा है कि सबका हो ही जाएगा। चलिए तब आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, कहीं भी अगर इसको रखना रहेगा तो क्या करेंगे, हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को अगली क्लास में, इसके पहले क्लास जो भी चली है हम बताए हैं, उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट ओवररैपिंग से इसको स्क्वायर में करना पड़ेगा। अब जो है इसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, देखिए हो जाएगा, रख लेंगे, कहीं भी ले जाके कर सकते हैं, देखिए हो जाएगा ना, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका। ठीक, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर इसी का डुप्लीकेट बनाना हमको है, इसी का डुप्लीकेट, तो क्या कौन से प्रेस को की करेंगे, कमेंट करिए अगर किसी को आ रहा है कि अगर इसका हमको डुप्लीकेट मतलब इसी का एक हुबहू बना देना है तो कीबोर्ड में कौन सी की को प्रेस करेंगे, बताइए बताइए, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए आप लोग कि कौन सी की को प्रेस करना है, कमेंट करिए। ठीक है, ठीक, सबका अलग अलग आ रहा है, लेकिन हम किसको, कौन सी प्रेस को की करेंगे, कंट्रोल को, कंट्रोल को प्रेस करिए और उसको क्या करिए, ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल को क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस किए रहिए, दबाए रहिए और क्या करिए, ड्रैग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बताइए हो जाएगा, बताइए, कमेंट करिए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर हमको दूसरा कोई इमेज लेना है तो क्या करेंगे, हम दूसरा भी इमेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बताइए, अगर हमको दूसरा इमेज लेना होगा एनिमल का तो ले लेंगे, सब लोग लेंगे, ले पाएंगे कि नहीं, देखिए, या तो हम राइट को क्लिक करके ले जाएंगे या तो अपने पिक्चर पे दो बार क्लिक करेंगे, कितनी बार, दो बार क्लिक करेंगे, तब भी क्या होगा, हमारा पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, तब भी क्या होगा, पिक्चर हमारा आ जाएगा, जैसे देखिए अगर हम किसी पे दो बार क्लिक कर देंगे, मान लीजिए लाइन पे करते हैं, देखिए आ जा रहा, क्लिक कर देंगे इस पे भी तो देखिए आ जाएगा, आ गया है। ठीक, और इसको भी क्या करिए, टेक्स्ट वेरिपिंग से स्क्वायर कर दीजिए, क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए और छोटा कर दीजिए, क्या करिए, छोटा कर दीजिए। ठीक, नीचे जाइए और छोटा करिए, ठीक, और छोटा कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना छोटा कर दीजिए, जो कि अच्छा लगे भी दिखने में, और भी हैं जानवर उन लोग भी दिखें, ठीक, छोटा कर दीजिए। जहां रखना है वहां रख दीजिए, छोटा बड़ा करने, हाँ कमेंट आ रहा है कि सर छोटा बड़ा कैसे करेंगे, हाँ ये भी सही बात कि छोटा बड़ा कैसे करेंगे, चलिए देख लीजिए छोटा बड़ा कैसे करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट दिया है, हर साइड पॉइंट पॉइंट दिया है, उन पॉइंट पे जब ले जाएंगे तो एक एरो का निशान बनेगा, एरो का निशान बनेगा तो हम लेफ्ट वाली अपनी की को प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, उसको ड्रैग करेंगे, जितनी साइज चाहिए उतनी साइज में हम उसको रख सकते हैं, देखिए छोड़ देंगे उसी पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, लेकिन ऊपर ये जो है इसको अगर हम घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिधर साइड चाहेंगे रोटेट करना, ये रोटेट का होता है, जैसा हम रोटेट करेंगे वैसा क्या हो जाएगा, रोटेट हम कर सकते हैं इसको, जिधर साइड चाहेंगे उस साइड क्या करेंगे, रोटेट करके हम रख सकते हैं। ठीक हो जाएगा, रोटेट रोटेट कर लेंगे सब लोग, कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कमेंट करिए, कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे, कमेंट करिए। सर जी आज इजी वे के या इजी शैम्पू, कमेंट करिए। ठीक है, हो जाएगा,
ठीक, एक बार और देख लीजिए, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि एक बार और सर बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या मंगाएंगे, एक एनिमल का इमेज मंगा लेंगे। इमेज मंगाने के बाद उस पर डबल बार क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, डबल बार क्लिक करेंगे इमेज पे जो इमेज रहेगा, और उसका क्या कर देंगे, टेक्स्ट वे रेपिंग। टेक्स्ट वे रेपिंग के बाद स्क्वायर कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर जब कर देंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कहीं भी ले आ लेकर कहीं भी उसको रख सकते हैं, ऊपर नीचे साइड जहां भी रखना चाहेंगे उसको क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं ले जाके। देखिए कहीं पर भी अगर हमको रखना है तो हम रख दे रहे हैं कि नहीं, ले जाके आप लोग कमेंट करके बताइए। रख देंगे, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है, रख सकते हैं कि नहीं, कहीं पर भी हम ले जाके उसको रख सकते हैं, ठीक हो जाएगा। बोलिए आप कमेंट करिए, आप नहीं कमेंट करेंगे हो जाएगा कि नहीं। बड़ा छोटा करने के लिए हम अभी बताए हैं कि पॉइंट पॉइंट दिया, पॉइंट पे क्लिक करके और हम क्या कर सकते हैं, उसको छोटा और बड़ा, देखिए जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, और जितना बड़ा करना चाहते हैं उतना हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक। ऊपर जो ग्रीन कलर का है उससे हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जिधर चाहेंगे उधर क्या कर देंगे, हम रोटेट कर सकते हैं। देखिए रोटेट कर दें, जैसा चाहेंगे वैसा हम रोटेट कर सकते हैं, देखिए ठीक, रोटेट भी कर लेंगे, हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए इसी में एक चीज और जान लेते हैं, पूछा नहीं, अगर पूछ लेगा आपकी बार तो क्या होगा आप लोगों की हाल, ठीक है, पूछा नहीं है लेकिन अगर पूछ लेगा तो क्या हाल होगी आप लोगों की, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। आइए, हमारा वर्ड आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट से होता है अलग अलग प्रकार की हमारी स्टाइल होती है नेम की, वर्ड आर्ट की, ठीक है। चलिए एक हम इसमें से लेते हैं, क्या वर्ड आर्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्ड आर्ट। ये भी कई बार पूछा गया है, हम इसका आप लोगों को एक बार जिक्र भी कर चुके हैं अगले क्लास में, ठीक है, इसके पीछे वाली क्लास में आप लोगों को हम इसको बता चुके हैं वर्ड आर्ट के बारे में, लेकिन चलिए इसमें भी थोड़ा जानकारी दे देते हैं आप लोगों को। अभी हमको लिखना है एनिमल, लिखना क्या लिखना है, एनिमल, ठीक। ये मंगाएंगे कैसे, पहले ये जानते हैं, मंगाएंगे हम इंसर्ट से, कहाँ से मंगाएंगे, इंसर्ट से मंगाएंगे, ठीक है, कहाँ से, इंसर्ट से, और क्या करेंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक, और क्या लिखेंगे, एनिमल लिखेंगे, एनिमल, ठीक। देखिए दोबारा देखिए, अच्छा हम लोग कहां जाएंगे, इंसर्ट मेनू पे, इंसर्ट मेनू के बाद वर्ड आर्ट है, किसमें, टेक्स्ट में हमारा क्या है, वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार के क्या है, स्टाइल दिए हैं नेम के, अलग अलग प्रकार के स्टाइल है कि नहीं, कमेंट करिए, है ना, आप लोग कुछ लोग इसमें से किए होंगे, कुछ लोग अगर हमारी इसके पहले पुरानी वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को हम एक बार बता चुके हैं। चलिए इसमें भी नए नए लोग जुड़े हैं, बता ही देते हैं, ठीक। ये लेना क्या, वर्ड आर्ट लेते हैं और क्या लिखते हैं, एनिमल लिखते हैं, एनिमल लिख दिए, एनिमल। अब मान लीजिए हमको इसका क्या करना है, स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट, फॉन्ट चेंज करना है, तो देखिए अलग अलग फॉन्ट आ जा रहे हैं, अलग अलग फॉन्ट, बोल्ड आ जा रहा, इटैलिक आ जा रहा। अगर साइज को हमको बड़ी करना है, मतलब बड़ी या छोटी साइज को करना है, तो क्या करेंगे, हम यहां से साइज को बड़ी या छोटी कर सकते हैं, ठीक है, साइज को छोटी या बड़ी कर दे सकते हैं। देखिए और भी बड़ी करना है तो और भी बड़ी कर दीजिए, 80 करिए, हो जाएगा, और क्या करना है उसके बाद, ओके कर दीजिए। तो कहां पे है भैया, दिख नहीं रहा, इधर पीछे छुप गया, तो इसको भी क्या करिए, हम स्क्वायर कर देते हैं, ये क्या लिखा गया, भैया क्या लिखा गया, आ गया, सही हो गया, ठीक, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी कई चीज सीखने के तरीके होते हैं, कई चीज सीखने वाला होता है, ठीक है। अगर हमको इसमें भी क्या करना है, कलर जो है फिल करना है, क्या करना है, कलर फिल करना है, तो सिंपल फिल, और क्या करिए, टेक्सचर,
अलग अलग प्रकार के टेक्सचर हैं। ठीक, अगर हमको आउटलाइन जो होती है, आउटलाइन का मतलब समझ रहे हैं, जो बाहर की लाइनिंग होती है, इसको क्या करना है, अलग अलग कलर से फिल करना है, तो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर हम ले लेंगे, हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है शैडो। क्या है शैडो? है शैडो का मतलब परछाई। देखिए अलग अलग प्रकार के क्या हैं, शैडो हैं, देखिए लग रहे हैं। ठीक, इसका पहले कलर लगा लेते हैं, एक कलर कोई चूज कर लीजिए, ब्लैक कलर, देखिए। ठीक, अब लगाइए शैडो। अब क्या करिए, शैडो को लगा लीजिए, देखिए। ठीक, देखिए अलग अलग प्रकार के शैडो लग जा रहे हैं कि नहीं, कमेंट करिए फटाफट, समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया बोलिए, कमेंट करिए तुरंत, नहीं आएगा तुरंत बता देंगे हम, कमेंट करिए, कमेंट करिए, हो जाएगा, लग जाएगा कि नहीं आप लोगों का, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कमेंट करिए लग जाएगा कि नहीं आप लोगों का। ठीक है, हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए अच्छा दोबारा बता देते हैं, देखिए कुछ नहीं करना हमको, पहले क्या करना, इसका कलर चेंज करना है, लगाना तो सब लोग जान ही जाएंगे कैसे हमको करना रहेगा वर्ड आर्ट। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, इसमें कलर फिल करते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर है कि नहीं है, देखिए है ना, हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, आउटलाइन जो हमारी होती है उसकी कलर लगाना, आउटलाइन की, आउटलाइन की, देखिए हो जाएगा आउटलाइन का भी। और शैडो है, क्या है शैडो, अब हमको क्या लगाना है, शैडो लगाना है ना, तो देखिए शैडो में पहले हम क्या करते हैं, कलर को ये रखते हैं, कलर रखने के बाद ही हमारा क्या होता है, शैडो लगता है, अलग अलग कलर का शैडो, देखिए दिखा रहा है ना, बोलिए कमेंट करिए फटाक से, कमेंट करिए, अब हो जाएगा ना, जो पूछ रहा था कि नहीं हो पाएगा सर, हो जाएगा। ठीक, अब चेंज करना इसका, अलग अलग डिजाइनिंग का शेप होता है, अगर जैसा हम शेप चाहेंगे वैसा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार के शेप्स आ रहे हैं कि नहीं, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करना ना छोड़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए लेकिन कमेंट मत करना ना छोड़िए, कमेंट जरूर करिए, आ रहा है तो ना आ रहा तो हमको मालूम तो चलेगा कि कितने लोग हैं इसमें, कि सो गए हैं। ठीक, देखिए हो जाएगा सबका, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सबका, चलिए अच्छी बात है, हो जाएगा तो कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए अलग अलग प्रकार के 3D आएंगे, 3D हमको कहाँ से मिलेगा, 3D यहाँ से मिल जाएगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा 3D ले लेंगे, देखिए ठीक लगा लेंगे 3D भी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है 3D। ठीक, अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 3D को शो करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे सब लोग 3D को शो, कोई दिक्कत कमेंट करिए, अगर किसी को भी इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुरंत ही कमेंट करिए, लगा लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अब आपका है कि हमको क्या करना है, हीडर विथ योर नेम एंड डेट। हीडर में हमको क्या लिखना है, नेम और डेट लिखना है अपना, क्या क्या लिखना है हीडर में, नेम और डेट लिखना है, कंट्रोल प्लस एन कर दीजिए। और हीडर में क्या करिए, हीडर यही होता है, यहाँ पे हमको क्या क्या लिखना है, नेम लिखना है, नेम और क्या लिखना है, डेट लिखना, क्या लिखना है, डेट लिखना है। ठीक, क्या लिखना रहेगा, डेट ना, तो डेट लिखिए। डेट लिखिए और पॉइंट पॉइंट कर, हो जाएगा सबका, लिख लेंगे हेडर में नेम और डेट, बोलिए कमेंट करिए फटाफट, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, बोलिए
हो जाएगा, कमेंट करिए, लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए हो जाएगा कि नहीं, सबका हो जाएगा बताइए। चलिए एक बार दोबारा और जल्दी, एक बार और दोबारा क्या करते हैं, देख लेते हैं सब एक ही में, सबको देख लेते हैं, ठीक, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा सबका, कैसे क्या करना है, ठीक है, एक ही बार में सब देख लेते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, सबसे पहले हमको ओपन करना रहेगा क्या, वर्ड, क्या ओपन करना रहेगा, वर्ड, ठीक। सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे, वर्ड को ओपन कर देंगे, ओपन हो गया। और सबसे पहले हमारा क्या बोला था करने के लिए क्वेश्चन, ये भी देख लो सब लोग, सबसे पहले बोला था कि बुलेट एंड नंबरिंग, कुछ लिख के बुलेट और नंबरिंग लगा सकते हैं, कुछ लिखिए, पहले इसकी साइज 14 या 12 से 15 कर दीजिए, 16 और लिखिए राम, लिख लिए। लिखने के बाद इसमें क्या लगा लीजिए, बुलेट, देखिए बुलेट हो गए, ये हमारा नंबरिंग हो गया, ये बुलेट, ये नंबरिंग, ठीक हो जाएगा सबका। ये चीज हटाना रहेगा, दो बार इंटर करेंगे तो हम हट जाएगा। उसके बाद क्या बोला, इंसर्ट कराने के लिए हमको टेबल इंसर्ट कराना है ना, टेबल इंसर्ट कराते हैं, कर लेंगे और सब लिख लेंगे, वही चीज, नेम, एड्रेस जो भी था अभी बताया ना सबको, लिख लीजिएगा, हो जाएगा सबका, ठीक। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या आगे बोला है, कि क्या बोला है अगला क्वेश्चन, हमको क्लिप आर्ट मंगाना है, क्लिप आर्ट और एनिमल मंगाना है, क्या मंगाना है, एनिमल, तो इस पे एनिमल पे क्लिक करिए, देखिए एनिमल भी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, जैसा एनिमल चाहेंगे, जितना इसमें एनिमल रहेगा केवल उसी को मंगा सकते हैं, हम अलग से अगर एनिमल लगाना चाहें तो नहीं ला सकते हैं, खुद इसमें बहुत ज्यादा दिए हैं, जो भी एनिमल चाहिए आपको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है कि हीटर में हमको क्या लिखना है, डेट और क्या, नेम, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, डेट और नेम, यही चीज आपको करना था। बोलिए इतना कमेंट करिए, इतना चीज कर लेंगे कि नहीं आप लोग कर लेंगे, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कमेंट करिए हो जाएगा कि नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए। आप लोगों को यूनिक ऑनलाइन में जुड़ने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।